जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज का यह वीडियो मात्र नोटिफिकेशन है जिसमें कहीं ना कहीं आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर होगा और एडमिट कार्ड की जो समस्या है, दूसरा परीक्षा में क्या आपको ले जाना है और तीसरा निःशुल्क सुविधा। देखिएगा बच्चे, यहाँ पर एग्जाम के लिए जो बच्चे कहीं ना कहीं आपको लोग गुमराह कर रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा, तो एग्जाम फिलहाल अपने नियत समय पर अभी तक तो यह है कि एडमिट कार्ड आपके पोर्टल पर दिखाई देने लगे हैं। समझिएगा कि किस तरीके से आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, ये भी हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं देखूं तो 23 तारीख को ही आपके एग्जाम को कराया जाएगा, दो पालियों में। 23/1/2022 विज्ञप्ति पीएनपी के द्वारा जारी की गई है और 13/1/2022 आपको पता ही है, यानी दोपहर से आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर नहीं किया है, बहुत सारे बच्चों का ओटीपी पासवर्ड की समस्या होगी, वो कहीं ना कहीं अपना फॉरगेट करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व, ये पिछले बार एग्जाम जब हुआ तो बच्चों के साथ बहुत समस्या हुई, गेट बंद हो चुका और बच्चे कहीं ना कहीं उनको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम तो पहुंच ही जाएंगे समय से, लेकिन ऐसा परीक्षा हाल में पहुंचने से पहले उनके सपने ध्वस्त हो चुके थे। बहुत से बच्चों को एंटर नहीं किया गया, ऐसा ही सीटेट एग्जाम में हुआ। तो अपना स्थान 30 मिनट पहले ही भैया कवर कर ले, साथ ही साथ मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको, जिससे कोई भी बच्चा परेशानी का यहां पर शिकार ना बन पाए, क्योंकि थोड़े से बदलाव भी देखने को मिले। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व आपको पहुंचना पड़ेगा। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति के साथ किसी एक प्रमाण पत्र को लाना अनिवार्य है। अब वो प्रमाण पत्र कौन सा हो सकता है कि प्रशिक्षण योग्यता का जो मूल प्रमाण पत्र है, जिस समय आप बीएड और बीटीसी किए हैं उसका 4 सेमेस्टर का मार्कशीट ओरिजिनल है तो लेकर आइएगा, नहीं है तो फिर आपको अटेस्ट करा के लाना पड़ेगा। संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य या अधिकारी, हम कह सकते हैं, द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की प्रमाणित प्रति भी आप ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस अभ्यर्थी के पास वैध प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र और मूल प्रति नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रवेश नहीं मिलेगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है। तीसरी जो निःशुल्क सुविधा की मैंने बात की है इस वीडियो में, तो जिस अभ्यर्थी के पास जो हम कह सकते हैं कि भाई ये एडमिट कार्ड होंगे, उसको लगेगा जो जहां से आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, बसों में आप सफर कर रहे हैं, तो उनके लिए परीक्षा में आपको निशुल्क सेवा दी गई है, यानी परिवहन निगम एवं नगरीय परिवहन की बसों में निशुल्क आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। जिन बहनों का, जिन भाइयों का दूर सेंटर है, वो कहीं ना कहीं अपने एडमिट कार्ड को दिखाकर एक दिन पहले या उसी दिन, हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं आप सफर कर सकते हो आसानी से। लेकिन हमें परिवहन सेवा को देखते हुए ये नहीं बिल्कुल सोचना है कि हमें उसका ही इंतजार करना है कि निःशुल्क मैं यहाँ पर जाऊँगा या जाऊँगी, हमें अपने एग्जाम सेंटर पर अपने नियत समय पर जाना है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के लिए हम सभी से कहना चाहेंगे, आप मैराथन देख लीजिएगा एग्जाम क्लियर, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछला वाला पेपर जिन बच्चों ने नहीं देखा है, मैंने सॉल्व कराया था, मिलियंस बच्चों ने उसको देखा है और जितने भी बच्चे गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो वो इस बार एग्जाम को क्रैक करेंगे, ये वादा नहीं चैलेंज है। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। समय से पहुंचे एग्जाम सेंटर के लिए कहीं ना कहीं बच्चों को दुविधा का सामना करना पड़ सकता है। एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं हमारी हमेशा आपके लिए साथ रहेंगी। वंदे मातरम।